नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। रुक कर लेते हैं खबरों का। पुराना भोपाल में जमीन विवाद के मामले को लेकर हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर समेत 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मामला कबाड़खाना इलाके का है, जहां पर एक जमीन बाउंड्री निर्माण से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक कबाड़खाना इलाके में 30,000 स्क्वायर फीट जमीन पर आरएसएस बाउंड्री वॉल बनवा रहा है। कुछ लोगों ने आपत्ति जताकर जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बताई थी। इसके बाद मामला कोर्ट में गया था। पक्ष में फैसला आने के बाद आरएसएस वहां बाउंड्री कर रहा है। इस दौरान विवाद की आशंका को लेकर 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। बाउंड्री निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों और एक समुदाय के लोगों द्वारा विरोध करने की आशंका है। इससे शहर की शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को खतरा होने के साथ साथ मानव जीवन और लोक संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है। इसे देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत पुराने भोपाल के थाना हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर क्षेत्र में भी कर्फ्यू लगा दिया है। इसके बाद इतवारा, सोमवारा, बुधवारा, भारत टॉकी, चौराहा पुलिस ने बंद कर दिया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जी हमारे साथ हैं। सर, क्या पूरा मामला है और किस क्यों बैरिकेडिंग की गई शहर में? इसमें सिंधी कॉलोनी के पास एक भूमि के टुकड़े को लेकर दो गुटों में विवाद लग रहा है लंबे समय से। चूंकि अभी की स्थिति में जो सभी निर्णय वगैरह हैं वो एक पक्ष के फेवर में दिखते हैं, इसलिए उनके द्वारा जो बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य किया जा रहा है उसको देखते हुए किसी प्रकार का वाद विवाद और टकराव की स्थिति ना हो, इसके लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है। कोई कब्रों होने की बात भी सामने आ रही है? मौके पे जो कब्रें हैं उन्हें बाउंड्री वॉल से बाहर छोड़ा जा रहा है, ये चीज़ सुनिश्चित की जा रही है और इसलिए उसको लेकर के कोई विवाद नहीं। फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरह से पूरा बैरिकेडिंग की जाएगी या फिर दीवार बनाई जाएगी? जैसा कि आप लोगों को संज्ञान में है और भी हमारे द्वारा प्रचारित किया गया, 3 थाना क्षेत्रों में आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। केवल अत्यावश्यक आवागमन जो है वो संचालित रहेंगे, जैसे कि मेडिकल सेवाएं इत्यादि। और इसके साथ ही 8 थाना क्षेत्रों में लोगों के 5 या 5 से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। शेष सभी व्यवस्थाएं वहाँ सामान्य रहेंगी। ये तो हमारे साथ भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जी, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे ही इस इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है। और यहाँ से 100 मीटर दूरी पर वो 30,000 वर्ग मीटर का प्लॉट है जहाँ पर इस वक्त कब्जा देने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी तरह की विवाद की कोई स्थिति ना बने, सांप्रदायिक सद्भाव की भावना ना बिगड़े, इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल पूरे ही पुराने शहर में तैनात किया गया है। कैमरा पर्सन रिहान के साथ वैभव गुप्ता, नादी टीवी, भोपाल।